हेलो हाय, कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज हम अपना मशीन का सफाई कर रहे हैं। और सुबह से हम थोड़े बहुत कपड़े थे वो सिल रहे थे, तो शाम का ये समय है, 4 बज गया था हमको कपड़ा सिलते सिलते, तो सोचे कि इस टाइम से हम अपना काम साफ कर लेते हैं और मशीन वगैरह जितना है वो सब साफ कर लेते हैं, उसके बाद में पूजा कर लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमको साफ सफाई करने में, क्योंकि गाइज मशीन तो साफ हम करते ही हैं, लेकिन ऊपर से बॉबिन वगैरह जितना है वो 8 दिन पर खोल करके और धागा वगैरह रहता है वो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन पूरे मशीन का सफाई नहीं करते हैं। जैसे नीचे वाला पैर रखने वाला हो गया है, और ये प्लाई वाला बोर्ड है उसका नीचे जाला वगैरह लग गया था, तो इसको हम सोचे कि आज अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद में सब दिन तो कपड़ा सिलाई होता ही है, लेकिन पूजा तो साल में एक बार ही होता है, तो सोचे कि अच्छे से इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो ये साफ़ करने में हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था गाइस। तो अभी देखिए जितना भी सूज वगैरह है, बॉबिन, ये सब हम निकाल करके साफ़ कर रहे थे और उसमें तेल डाल रहे थे। तो तेल डालने से क्या होता है ना कि ये सब जितना अंदर में गंदगी रहता है वो सब निकल जाता है, और इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम तेल डालें और नीचे से धागा वगैरह जितना था गंदगी वो सब हम छोटा वाला पेचकस से निकाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो, और अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो मशीन थोड़ा सा भारी जैसा चलता है, और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं तो मशीन हल्का सा चलता है और चलाने में भी अच्छा लगता है। तो सोचे कि क्यों ना आज ही हम सब साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बिना साफ़ किए हुए कैसे पूजा वगैरह होगा। तो ऊपर का पार्ट जो होता है मशीन वाला, जो हम तेल से ही साफ़ कर लेते हैं कपड़ा से, और उसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट होता है, मतलब पलाई का नीचे वाला जो पौदान होता है, उसे हम सर्फ और कपड़े से साफ़ कर लेते हैं पानी डाल करके। और ऊपर पानी नहीं डालते हैं कि ये लोहा का होता है तो जंग लग जाएगा, ऊपर में जितना भी पार्ट वगैरह है मशीन वाला बॉबिन वगैरह है ये सब लोहा का आता है, तो इसमें जंग लग जाएगा, इसी चलते हम ऊपर पानी से साफ़ नहीं किए हैं और ऊपर तेल से ही साफ़ कर रहे हैं। और नीचे का जितना भी पार्ट है वो पानी से और सर्फ डाल करके हम साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद में जब साफ़ हो जाएगा तो हम शाम के समय में थोड़ी बहुत पूजा कर लेंगे, क्योंकि बड़ा तो मशीन है नहीं, गाड़ी वगैरह मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो केवल मशीन ही है, तो इसे थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ऊपर का पार्ट जो है वो साफ़ कर लिए हैं, और नीचे वाला जो है अब हम साफ़ करेंगे, क्योंकि नीचे जो कपड़ा वगैरह काटते हैं वो पूरा घर में इधर उधर बिखर जाता है, तो ये सब आज हमको अच्छे से साफ़ करना होगा। तो आज हम सारे को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी इसलिए हम साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा और कर्मा पूजा दोनों साथ में ही हैं, तो शाम के समय में जब सृष्टि नहाएगी पूजा करने के लिए तो साथ में ये मशीन का भी पूजा कर लेगी। और यहाँ पे देखिए मेरा साफ सफाई हो गया है, तो रूम में नीचे थोड़ा सा भी हम धो लेंगे, जब ये नीचे वाला पौधा हम धोएंगे तो पानी गिर जाएगा नीचे, तो इसीलिए नीचे रूम के भी हम साफ़ कर लेते हैं। तो मेरा देखिए अब साफ सफाई हो गया है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बेहद ख्याल रखिए और बाय।